वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको जो हमने हेडबैंड बनाए हैं उनकी वर्किंग के बारे में बताऊंगी। ये कैसे बनाए गए हैं, इसके कितने हमने इसमें आइडियाज़ डाले हैं वो भी आपको पता चलेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये वेरी सिंपल हमने ये बनाया है हेडबैंड। इसको हमने कैसे बनाया है, यहाँ से शुरू किया है, ये मैं आपको बताऊँगी ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए, इसको ऐसे आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और एक इसको ऐसे बना लीजिए, एक इसको इसमें चेन डालनी है, दो बार ऐसे इसको बुन लीजिए। इसको हमने 20 बार ऐसे बनाना है, एक दो ये तीन ये चार ये पांच छः सात आठ नौ दस। आप जितना चौड़ा चाहिए आपको 20 बार डालिए, और 10 बार भी डालकर आप बना सकते हो, ये थोड़ा कम चौड़ाई में बनेगा। ये देखिए, इसको गेस करने के लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ये चार बने हैं, चार और दो चेन यहाँ पे, छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह दो अठारह और चार 22 हो गई। ये 22 का बना हुआ है, और कुछ हमने जैसे ये 20 के बने हुए हैं, इसको हमने ऐसे अलग अलग डिज़ाइन में तैयार करना है। ये सिंपल है, ये बिना रबड़ बैंड के है, और ये रबड़ बैंड वाला मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ही इसका बता देती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे टर्न कर लेना है जितना आपको चाहिए, और यहाँ पे हमने सात साइड वाले बॉर्डर को एक जैसा ही रखना होता है। यहाँ पे तीन चेन डाले और यहाँ पे एक छोड़ दिया, और यहाँ पे हमने इसकी बुनाई की। यहाँ पे हम तीन चेन डाल लेंगे, फिर यहाँ पे हमने ये वाला बता रही हूँ, जैसे ये वाला है, ये भी ऐसे ही बनाया गया है। ये देखिए, एक दो चेन डाली और फिर दो ही चेन छोड़कर यहाँ पे हमने इसको बनाना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे भी दो चेन डाली और यहाँ पे हमने फिर दो चेन यहाँ पे छोड़नी है, और यहाँ पे हमने तीन चेन डाल लेनी है साइड वाली, ऐसे एक दो तीन। ये देखिए, ऐसे तीन साइड पे हो गई, और जो बीच में है इस पे हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने दो चेन डाली और इसमें हमने तीन बार ऐसे तीन दो एक का क्रोशिया किया, फिर यहाँ पे एक चेन डाली और फिर इसी में ही हमने तीन बार और तीन दो एक का क्रोशिया करना है। और यहाँ पे फिर हमने दो चेन डालनी है और साइड वाले तीन को ऊपर ही हमने ऐसे बुनाई करनी है।
अब इधर से फोल्ड करके टर्न करके हमने दो चेन डाली और फिर इसी के ऊपर ही हमने फिर बुनाई करनी है। यहाँ पे हमने फिर दो चेन डालनी है और यहाँ पे सेंटर वाले जहाँ पे एक चेन डाली थी यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच 6 बार हमने इसको एक साथ ही ऐसे बुन लेना है। यहाँ पे एक चेन डाल ली है, इसको बंद कर दिया। अब फिर इसके ऊपर दो चेन डालनी है और यहाँ पे हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। ये ऐसे फ्लावर बनता जाएगा। जितना चौड़ाई में आपको चाहिए उतना बना सकते हैं। ये देखिए, ये सेंटर वाले पॉइंट में ऐसे, इसमें फिर नीचे वाले फ्लावर जैसे हमने पत्तियाँ डालनी है। 3 2 1 3 बार बुनाई करनी है। और इसमें एक सेंटर में एक चेन, फिर इसी में ही तीन दो एक का ऐसे बुनाई कर लेनी है। फिर दो चेन डालनी है और इसके ऊपर भी ऐसे बनाते जाना है। ये देखिए, इसका डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा। चार पाँच 6, एक जैसा इसको ऐसे करना है और इसको पकड़ के एक में बंद कर देना है और इसके ऊपर दो चेन डाल लेनी है। फिर हम आगे इसके ऊपर ही हमने ऐसे बुनाई कर लेनी है। ये ऐसे फ्लावर जैसा बनता जाएगा। और इसकी लंबाई के लिए अपने हेड को कितना हमें चाहिए, कितनी बुनाई करनी चाहिए, हम एक धागे से अपने हेड को ऐसे माप लेंगे। कोई भी धागा लेके हम उसको ऐसे अपने हेड के ऊपर से यहाँ पे ऐसे माप लेंगे जितना चाहिए। उसमें हमने 3 इंच कम कर लेना है जो ये रबड़ बैंड का काम करता है। 4 इंच भी कम कर सकती हैं, ये लूज़ हो जाता है। और इसमें ऐसे हम सारी बुनाई कर लेंगे और ये वाला रबड़ बैंड वाला आपको ये देखो दूसरी तरफ से भी एक जैसा ही दिखाई देता है और इधर से भी ऐसे दिखाई देता है। ये वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए, हमने ऐसे रबड़ बैंड से बनाया है। यहाँ पे हमने 5 5 डाली हुई हैं, ये यहाँ पे 3 3 चेन डाली है, थोड़ा सा चौड़ा बन गया है। और ये सेम ही डिज़ाइन है, यहाँ पे भी हमने 3 3 बार और 6 बार ऐसे बनाया है ये रबड़ बैंड वाला। ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये वाला हमने अब आपको सिखा दिया है, ये वाला डिज़ाइन। ये कम भी किया जा सकता है और इतना चौड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। ये देखिए, अब मैं आपको
ये देखिए, बिना रबड़ बैंड के, यदि आपके पास थोड़ा सा ये वूल कम है, जहाँ जैसे आपने थोड़ा सा आइडिया डालना है, इसमें ऐसे रबड़ बैंड जो डाला है उसमें ऐसे एक में रबड़ बैंड में ऐसे एक डालकर उसमें से निकाल के इसको 3 बार हमने ये रबड़ बैंड डाल दिया है। ये कम वूल में भी, और जो पीछे से गर्दन पे किसी की वूल को एलर्जी होती है जब ऐसे नहीं डालते, ये वाला इसीलिए हमने ये इलास्टिक डाला है। ये रबड़ बैंड 3 डालकर हमने ये आइडिया भी दिया है। ये देखिए, अब यही डिज़ाइन है आपको जो बताया गया है, लेकिन इसमें ऐसे ही पट्टी पूरी हमने डाली है, इसमें रबड़ बैंड नहीं लगाया जाता, ऐसे ही पूरी बुनाई कर ली जाती है। फिर इसको हमने कैसे बंद करना है, ये हमने ऐसे इसको ऐसे पकड़ना है, और जो नीचे वाला है लंबाई, इसमें ऐसे जो इसकी लंबाई है ऐसे, इसको हमने एक को हमने एक का मुंह इस बंद इस तरफ है और दूसरी का इस तरफ हमने ऐसे बंद करके रखना है, और जितना ये चौड़ा है ये वाली पट्टी हमने सीधी उठा के इसको इसमें ऐसे रख के इसको सिलाई कर लेनी है, और इसका डिज़ाइन फिर ऐसे फ्लावर जैसा बन जाता है। ये भी आपको आइडिया ठीक लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, नहीं तो आप बिल्कुल इसको सीधा सीधा भी, जैसे हमने ये पट्टी बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई की है, इसको सिलाई कर लेनी है ऐसे। और फिर हमने इसके ऊपर इसको ऐसे यहाँ पे नॉट लगा लेनी है और एक चौड़ी पट्टी बनाकर इस पर लगा देनी है। ये भी एक आइडिया है। ये रबड़ बैंड बहुत वेरी सिंपल है और बहुत सुंदर लगते हैं। जितना चौड़ा आपने बनाना चाहते हो आप उतना चौड़ा बना सकते हो। ये कैप की तरह भी काम आते हैं। ये देखिए, इसमें भी डिज़ाइन हमने ऐसे सिंपल ही डाला है। ये देखिए, इसमें हमने एक में एक एक डाला है, चेन डाली है, दो दो डाले हैं, ऐसे ये बना सिंपल ही एक जैसे ही अभी बनाए हैं। और जैसे आपने और डिज़ाइन लेने हैं ऐसे जो टाइट टाइट वाले होते हैं रबड़ बैंड के, इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऐसे 20-25 चेन डाल लेनी है। उसके ऊपर हमने यहाँ पे 2 चेन साइड पे डालनी है। पहले तो सिंपल बना लेना है, फिर इसको हमने जो ये वाला पहले वाला है जो बुनाई की गई है, इसके ऊपर से और इसके पीछे वाली चेन से ऐसे बुनाई कर लेनी है। मैं दोबारा ही बना देती हूँ, यहाँ से बना देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक लेकर चेन और पीछे से एक जो नीचे वाला बुना हुआ है उसके ऊपर से लेकर 3 बन जाएंगे। 3 का हमने एक कर लेना है ऐसे। फिर हमने जो पहले वाला है बुना हुआ उसको उठाना है ये देखिए, ये पहले वाला है उसको उठाना है और पीछे वाली चेन से यहाँ से इसको लेना है और इसको बुनना है पीछे वाली चेन वाले को, फिर 3 का एक बना लेना है। फिर इसी को ही हमने ऐसे पहले वाले को उठाना है, ये देखिए, फिर पीछे वाली चेन से इसको बुनना है, बुनकर फिर 3 का एक बना लेना है, फिर इसी को उठाना है। ये देखिए, ये वाला उठा के अगले वाली चेन से ऐसे बुनाई कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे ऐसे बनाते जाना है, और ये पीछे वाली जो चेन बुनी जाती है उसके आगे वाली चेन ये आगे आगे आती जाएगी, ऐसे ये डिज़ाइन बन जाएगा। यदि आप ये चेन नहीं डालना चाहते, सीधा ही डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक लोगे और जो ऊपर वाली चेन को डबल से ही ऐसे उठा लेना है और ऐसे ही बना लेना है। ये भी ऐसे, फिर ये चेन नहीं आएगी जो ये वाली है, फिर वो अलग डिज़ाइन बन जाएगा। इसी में ही हमने 2 डिज़ाइन बता दिए हैं आपको। अब तो एक यहाँ से स्टिच लेना है और एक पीछे से स्टिच लेना है। जो आगे वाली है वो चेन बनती जाएगी ऐसे वाली,
और ये बहुत टाइट होता है, पीछे से भी ऐसे ही सेम सेम डिज़ाइन होता है, और आप कैसे भी इसको पहन सकते हैं। और इसको भी हम ऐसे चाहे तो बिल्कुल सीधा ही इसको पट्टी के जैसा ही बंद कर लो, और नहीं तो आपको जैसे अभी बताया गया है एक का मुंह बंद वाला इस तरफ होना चाहिए, और जो दूसरी तरफ वाला है और जो ये वाला नीचे ऐसे रख लेनी सारी पट्टी, फिर जो दूसरे वाला है उसको हमने इस तरफ एक अंदर और एक बाहर ऐसे इसको सुई से सिल लेना है। ये आपको ऐसे नोट जैसा दिखाई देगा, ऐसे इसको रबड़ बैंड हेडबैंड बन जाएंगे। आप कितने ही डिज़ाइन बना सकते हो। इसको भी हमने ऐसे ही बनाया है जैसे हमने ये छः छः बार भरा हुआ है ना, ऐसे ही इसको भी हमने ऐसे ही दो दो एक एक छोड़ कर हमने इसको ऐसे ही भर दिया है, फिर उसके सेंटर में ऐसे भर दिया, ये ऐसे वाला डिज़ाइन बन जाएगा। इससे तो इस वाले डिज़ाइन से काफ़ी डिज़ाइन बन जाते हैं। आगे भी मैं अपनी वीडियो में ऐसे कितने ही डिज़ाइन बताती रहूँगी। जैसे यही है, आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है और इसमें हमने दो दो बार डाला है, और बीच में हमने तीन तीन बार इसको बुनाई की है। इसके भी हमने 21 चेन डाली है, और यहाँ पे भी हमने दो, एक में ये दो छोड़कर यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे तीन, दो चेन तीन का ये यहाँ पे बनाया, और इसको भी ऐसे ही बनाया। ये फ्लावर मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे बनता है। ऐसे साइड पे भी हमने इसकी तीन चेन लेनी है, तीन चेन लेकर यहाँ पे एक दो चार पाँच छ, एक जैसा ही इसको बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा दबाकर फिंगर को फिर इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर हमने एक चेन डाली और फिर इसके ऊपर हमने दो चेन डाली यहाँ पे, इसको हमने फिर इसी में ही छः बार ऐसे ही फ्लावर बनाना है। सभी में ऐसे निकाल के फिर हमने यहाँ पे दो चेन डालनी है, फिर यहाँ पे आगे ऐसी बुनाई करनी है। यदि आप चाहो तो जो रबड़ बैंड में बनाते हैं उसमें हमने ऐसे ही तीन चार बार ऐसे ही ये फ्लावर ऐसे ही डाले हैं, दो यहाँ पे ये नहीं डाला, तीन साथ साथ डालकर इसका रबड़ बैंड पूरा बन जाता है हेड बैंड। ऐसे ये भी बहुत सुंदर लगता है। और जो ये आपको धागा थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा था उसी को हम इसमें ऐसे जो नोट वाला होता है इसी में ये छिप छिप जाता है, इसको ऐसे ही ढीला सा छोड़ दीजिए। ये देखिए ऐसे ये फ्लावर बन जाता है। ये नोट को छुपाने के लिए हमने इसी में भरा हुआ है जो वूल उसी में ही छुपा दिया है। ये देखिए ऐसे बुनाई करके फिर हमने दो चेन डालनी है, ऐसे कितने ही हम डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ कम कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। आपको पहले भी कितने हमने दिखाए हैं। ये देखिए यहाँ पे दो चेन डाली और इसमें हमने छः बार ऐसे, आप फिंगर से ऐसे इसको पकड़ लीजिए, मतलब प्रेस कर लीजिए थोड़ा सा, दो तीन चार पाँच छः, और इसको ऐसे ही एक साथ ही बंद कर लेना है। और फिर इस ये थोड़ा सा ढीला ढीला ही रखना पड़ता है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करते। यहाँ पे दो चेन डाली और इसी में ही हमने फिर इसको ऐसे बुनाई कर लेनी है, ये फ्लावर जैसा बनता जाएगा।
और इसके लास्ट में हमने ऐसे ही दो चेन डालकर या एक चेन डालकर इसको एक ऊपर लेकर यहाँ से इसके बीच में से इसको ऐसे ये एक साथ बिल्कुल सीधी सीधी ये आ जाएगी। ये देखिए आप ऐसे भी ये वाला डिज़ाइन आपको भी बहुत पसंद आया होगा, ये हेडबैंड के लिए भी बहुत अच्छा बनता है। और इस यही बुनाई हमने यहाँ पे भी की हुई है और इसी में भी इसमें भी की हुई है और इसमें भी है और ऐसे कितने ही हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और भी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको नए नए डिज़ाइन बताती रहूँगी। ये देखो ये भी सेम सेम ही है, इसमें हमने चेन थोड़ी सी बढ़ा दी है, चेन बढ़ा दी और यहाँ पे सिंपल ही बनाया है, इसको ऐसे भरा नहीं है, इसमें सिंपल ही दो डाले हैं, बीच में एक चेन डालकर ऐसे ये बनाया है।